गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली दो वीडियो में आपने देखा कि हमने एक छोटा सा वाटरफॉल एक्सप्लोर किया था और नेक्स्ट डे हमने पैराग्लाइडिंग की थी। पैराग्लाइडिंग के बाद में हम लोग अपने होटल आ गए थे और वहां दबा के हमने खाना खाया। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बैजनाथ का शिवा टेम्पल और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जीबी की ओर। तो आइए मैं अपना खाने का टूर आपको देता हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये था हमारे होटल के द्वारा दिया गया हमें खाना। कई दिनों से बच्चों को पिज़्ज़ा खाने की बहुत इच्छा थी और लकीली हमारे होटल के पास में ही हमें ये हिमालयन पिज़्ज़ा मिल गया। भीड़ में बहुत फेमस है ये। आइए अंदर चलते हैं और इसका पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं। इंटीरियर काफ़ी अच्छा, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। ये देखिए मेनू कार्ड, प्राइस ठीक ठाक थी लेकिन क्वालिटी अच्छी थी इसकी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप यहाँ पी सकते हैं। एकदम लैंडिंग जोन के पास में है ये। पिज़्ज़ा का ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं, बस भैया ने 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट हम वेट करते हैं फिर चलेंगे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे मतलब है ना, आपको सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी, बेकरी आइटम्स वगैरह भी मिल जाएंगे और इसी के रूफ टॉप पे खाने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत फेमस है। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए, हमने यहीं से मज़े ले लिए थे इसके। ये देखिए कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है बाहर से। सामने ये है लैंडिंग जोन और इसके ठीक पीछे है हमारा होटल। हमारे अलावा कोई बंदा नहीं था, कुछ कोविड का कारण, कुछ शायद और प्रॉब्लम हो। अब हम पहुँचे हैं भीड़ के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट, बेसिकली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, उसका नाम है आवास। यार यहाँ का भाई व्यू देखो ना आपको, यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई विंडो से आपको ना हेवन ही नज़र आ रहा हो, मतलब स्वर्ग से वास्तव में यार कम नहीं है। यहाँ कुछ सर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, अब ये नया है पुराना है इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत शानदार। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरविंद सोनी, आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं ट्रैवल हंगरी के साथ। पिज़्ज़ा और साउथ इंडियन खाना खाने के बाद हम लोग गुरू भाई के साथ में निकले यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बैजनाथ के शिवा मंदिर के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन हमें आधा घंटे का समय लगा होगा, कोई ट्रैफिक था नहीं। और अब हम पहुँच चुके हैं बहुत पुराने और प्राचीन शिवा मंदिर जो कि बैजनाथ के अंदर है, एक ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैजनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ प्रमुख बातें बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि बैजनाथ मंदिर हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। भीड़ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर आधे घंटे की ड्राइव पर ये मंदिर है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवा गया था। अब एक पुरानी कथा के अनुसार त्रेता युग के अंदर लंकापति रावण ने एक ज़बरदस्त खतरनाक वाली तपस्या की थी और उस तपस्या में जब उनको अपने मन मुताबिक वर नहीं मिला तो उन्होंने अपना एक एक सर काट कर हवन कुंड में उसकी आहुति देने लगा और ऐसे करते करते 9 सरों की वह आहुति दे चुका था। जब लास्ट अपना 10वां सर काटने की तैयारी थी उसी बीच शिवजी वहाँ प्रकट हुए। वो बोले मैं तेरे से प्रसन्न हूँ और उसका हाथ रोक लिया था और बोले चल तू एक मेरे से वरदान मांग ले। बेटा मन में लड्डू फूटा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे बलशाली बना दें। शिवजी ने कहा तथास्तु और वहाँ से लुप्त हो गए। इससे पहले शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देते हुए कहा कि देख भाई इसको ज़मीन पर ना रखियो, ज़मीन पर रखेगा फिर भूल जाना। और ये कहते हुए वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। इसके बाद रावण भी वहाँ से निकल लिया। अब जैसे ही वो अपने वायु मार्ग से होता हुआ जा रहा था और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र जिसको आज बैजनाथ क्षेत्र कहते हैं वहाँ उसको लघु शंका हुई, तो वह नीचे उतरा और उसे वहाँ एक ग्वाला सामने नज़र आया जो वह पशु चरा रहा था। उसने उस ग्वाले को वो शिवलिंग दे दिए, बोला मैं लघु शंका करके आता हूँ तो उसको इन शिवलिंगों को तू अपने गोद में रख, और वह चला गया। लेकिन ग्वाला उन शिवलिंगों का भार ज़्यादा समय तक नहीं उठा सका। अभी भी कह सकते हैं कि शिवजी का ही कुछ एक रची हुई लीला थी और उस ग्वाले ने शिवलिंगों को वहीं बैजनाथ के जो एक बंजर से ज़मीन थी वहां रख दिया। रखने के साथ ही शिवलिंग वहां स्थापित
हो गए। रावण ने इन दोनों शिवलिंगों को मंजूषा में रखा था। मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वो शिवलिंग चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर रखा था वह बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, यहाँ एक मान्यता यह भी है कि अगर आप बैजनाथ मंदिर में आते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का नंदी बना हुआ है। अगर आप नंदी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जैसे कि अपनी कोई विश या कोई अपना काम करवाना हो, तो मान्यता है कि यहाँ वो काम पूरा होता है। तो अगर आप बैजनाथ हैं तो भाई ये काम ज़रूर करके आना। तो वापसी में आते हुए मुन्नू भाई ने हमें यहाँ दो मोनेस्ट्री है बहुत सुंदर, वो दिखाने के लिए हमें यहाँ लेके आए हैं। मोनेस्ट्री वैसे अंदर से बंद है, लेकिन बाहर से देखिए आप। मोनेस्ट्री अंदर से तो अलाउ नहीं है, लेकिन ये मुन्नू भाई ने बाहर से ज़रूर हमें ढंग से दिखा दी, फोटो वोटो ले लिए और अब शायद कहीं और लेके जा रहे हैं। अंकित भाई गुड मॉर्निंग, है चला पार्टी? तो निकल चुके हैं हम लोग जीबी के लिए, टाइम तकरीबन 10 बजे। भाई अपने जाने पहचाने मोनू भाई और पीछे ही है अंकित भाई, साथ में ही हैं 3 दिन हमारे, देखते हैं। हम पहुंचे कुल्लू और लकीली, वहां पे महाशिवरात्रि का लास्ट दिन का मेला चल रहा था। रियली दोस्तों ये एक मेरे लिए यूनिक चीज़ थी और ये आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा भाई, तो वेट कीजिए नए वीडियो का और देखिए।